मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम जा रहे हैं हम लोग सोनपुर। तो अभी ना दिखाते हैं आपको कहाँ से जाते हैं, मतलब पहले तो राहुल के यहाँ है हसनपुर, एंड वहाँ से जाएंगे समस्तीपुर। समस्तीपुर से ट्रेन है लगभग 2:45 में या मतलब 3 बजे के आसपास में, तो वहाँ से निकलेंगे सोनपुर। सोनपुर लगभग 6 बजे तक छोड़ेंगे। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं ट्रेन में बैठते हैं उसके बाद। आगे समस्तीपुर जंक्शन, एंड यहाँ पे ना सबसे पहले तो टिकट कटवाएंगे भाई, क्योंकि भाई इससे रिस्क नहीं ले सकते। जाओ वो टिकट कटवा के आओ, जाओ। तो अभी ना लेते हैं लड़के लोग को, मतलब बोलते हैं इसको चलने के लिए। और इस बार तो नहीं कट, इस बार बहुत भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। सामने आप लोग को इस साइड में लाइन है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाइन है। तो अभी लेके चलते हैं उसको पहले उस पार, इससे जाते हैं हम लोग उस पार जल्दी जल्दी। और वहाँ पे लाइन थोड़ा सा कम रहता है, हमेशा रहता है कम, तो सही चलेंगे और वो फायदेमंद रहेगा हम लोग के लिए, टाइम बचेगा हम लोग का। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। फाइनली ना टिकट काउंटर पे तो आ गए, अभी ये लाइन में लगा हुआ है दोनों। अभी देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगता है, वैसे तो ज़्यादा बड़ा लाइन है नहीं, देख लेते हैं। फाइनली ना मिल तो गया टिकट, इसमें नहीं लिखा हुआ है भाई। तो अभी ना जा रहे हैं फिर से प्लेटफॉर्म पे। फाइनली ना हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और यहाँ तो 4-5 है, यहाँ दिखा रहे हैं थोड़ा सा नीचे साइड में, लेकिन गाड़ी एक लगी हुई थी, एक या दो पे। तो हम लोग पहले वहाँ जाते हैं देखने के लिए कि गाड़ी निकल तो नहीं गई, लेकिन ऑलरेडी उसका टाइम हो गया था वो गाड़ी का, तो गाड़ी निकल गई थी। तो हम लोग फिर से 4-5 पे आए, और उसके बाद गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद भाई गाड़ी इतना देर रुकी ना, 1 घंटा से ज़्यादा रुकी। एक तो पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा देर रुकना पड़ा, उसके बाद तो गाड़ी ही आई, उसके बाद फिर चली समस्तीपुर से गाड़ी, तो फिर ठीक ठाक था। चलने के बाद हम लोग जनरल में थे, तो भाई समझ ही सकते हो क्या हाल होगा। तो फाइनली ना अभी पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर, फिर बताते हैं आप लोगों को। मुजफ्फरपुर तो आ गए फाइनली, लेकिन पूरा सन्नाटा छाया हुआ, पूरा सन्नाटा है मुजफ्फरपुर में, मतलब बहुत कम लोग दिख रहे हैं आज, पता नहीं क्यों, वो तो पता नहीं, बस कुछ लोग हैं बट बहुत कम टाइप में, कुछ स्टूडेंट लोग हैं और कुछ नहीं है। तो निकलते हैं हम लोग यहाँ से सीधे। फाइनली ना आ गए सोनपुर, अभी से बज रहा है 7:15 के आसपास लगभग, एंड यहाँ अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया, तो अभी चलते हैं वहाँ पहले जहाँ पे मेला होगा। पहले खाना खाएंगे, कुछ खाना भूख लगा हुआ है बहुत ज़बरदस्त। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद भी लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, मतलब 2 किलोमीटर के आसपास दूरी है यहाँ से पैदल। तो हम लोग पैदल चलते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ तो भाई लाइट अच्छा है ही नहीं, बिल्कुल भी बेकार है। ये तो स्टैंड है स्टेशन के साइड में, जो स्टैंड होता है वो है, यहाँ पे कुछ दुकानें खुली हुई है, हमेशा खुली रहती है 24 आवर लगभग मेरे हिसाब से। तो चलते हैं हम लोग वहाँ, यहाँ तो भाई ना लाइट है ना कुछ है। आ गए हैं देसी फिरंगी, मतलब रेस्टोरेंट में, यहाँ पे पहले खाना खाएंगे क्योंकि भूख भाई बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ, बहुत ज़बरदस्त। और भाई का अंदर में जो रेस्टोरेंट है वो भी अच्छा लगा, छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन बहुत मस्त है भाई, देख लो क्या एक नंबर है, एकदम क्लीन पूरा। तो अभी लोग कुछ खा रहे हैं, तो वो लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग सारा सेटल होंगे और सबको एक साथ में बैठ के सब कुछ खा लेंगे यहीं पर। फाइनली ना अभी खाना के लिए ऑर्डर कर दिया, एंड अभी खाना आता है फिर दिखाते हैं आप लोग। खाना आ गया, सब कोई फोटो वोटो ले रहा है, खाते चलते हैं।
अभी चलते हैं आगे और भी दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। और ये कुछ इस साइड में ना डिज्नी लैंड है, तो यहाँ पे फिर झूला ये सब जितना भी चीज़ होता है वो सारा चीज़ है। इधर कुछ दुकानें भी हैं और ये रहा मेन गेट जो कि सोनपुर इंटर, सोनपुर मेला के इधर इंटर करने का मेन गेट जो है वो ये रहा। भाई क्या मस्त लग रहा है, मतलब सामने से दिखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। पता नहीं कैमरा में कैसा ही आ रहा है, वो तो मैं एडिट करूँगा उसके बाद पता चलेगा। और लाइट भी एकदम सामने से था तो बेकार लग रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। बट उसके बाद देख लो भाई भीड़, अभी तो थोड़ा सा कम है भीड़, मतलब गेट है तो गेट पे तो थोड़ा भीड़ रहेगा ही, अंदर थोड़ा सा कम भीड़ था। लेकिन कुछ टाइम जब रात होने लगा उसके बाद देखना भीड़ क्या ही होगा, कितना ज़्यादा भीड़ होगा। तो अभी साइड में आप लोग को सिर्फ दिखेगा दुकान जो कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपना, कुछ भी सामान जो बेचता है वो उसका एडवर्टाइजमेंट की तरह दुकान बना के उसमें एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कोई भी। लाइक अभी आगे आपको दिखने को मिलेगा बहुत सारे कंपनीज़ के, मतलब दुकान वकान ऐसा ही रहता है, मतलब हर बार ही ऐसे ही एक लाइन से लगा रहता है। तो ये देखो बिहार पुलिस का है, मतलब बिहार पुलिस का अपना ये सेटअप पूरा बनाया हुआ, क्या मस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त बिहार पुलिस का ज़बरदस्त लग रहा है एकदम। उसके बाद अभी रेलवे का भी होगा, सोनपुर मंडल का यहाँ पे होगा और भी बहुत सारा है। मुझे एक्चुअली में याद नहीं है कि मतलब कितना सारा है, कि पिछली बार आया था तो उतना नहीं समझ में आया था, तो उतना याद रखता कौन है भाई, ये भी है। तो इधर साइड में भवन निर्माण वाला है और बाकी आगे अभी सोनपुर में मतलब कि रेलवे वाला मिलेगा, आप लोग को देख लो। और बहुत ज़बरदस्त, इसके अंदर आप लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं कैसा है क्या।